चर श्री ममता जैन गुवाहाटी से आपके से चरणों में अपनी शंका रख रही हैं हे गुरुदेव क्या सभी संप्रदाय के स्वर्ग एक होते हैं अगर हाँ तो वे सभी प्रकार के देव किस प्रकार से सहायता करते हैं कृपया मार्गदर्शन करें सभी धर्मों में नरक और स्वर्ग का वर्णन लगभग लगभग मिलता है जो पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन व्यवस्थाएं उनके शास्त्रों में हमारे शास्त्रों में बहुत अंतर मिलता है क्योंकि उनके यहाँ पर स्वर्ग आदि में जो इंद्र आदि हैं वही इस पृथ्वी लोक को चलाने वाले आदि माने जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग देव अपना जीवन जीता है मनुष्य क्षेत्र में रहने वाला मनुष्य अपना जीवन क्षेत्र जीता है हाँ ये बात अलग है कि स्वर्ग के देव जो हैं मनुष्य लोगों का जो है उपकार कर सकते हैं सहयोगी बन सकते हैं और बनते हैं अब जैसे भगवान के कल्याणक में आते हैं अन्य भी प्रकार से जो मुनि हैं उनके पास भी आते हैं और अन्य जो पुरुष हैं सम्यक दृष्टि हैं या कोई भी है उनकी सहायता करने के लिए देवगण बिल्कुल नियम से आ सकते हैं वर्तमान में जो वैमानिक जाति के देव हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते जो इस प्रकार से यहाँ पाताल लोक में हैं वो देव जो हैं आ सकते हैं सहायता के लिए तो जैन धर्म में स्वर्ग आदि में की जो व्यवस्थाएं हैं और देवों की रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो अन्य धर्मों के जो शास्त्रों में लिखी हुई व्यवस्थाएं हैं उनसे बहुत डिफरेंट है बहुत अलग है तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की व्यवस्थाएं बिल्कुल एक हैं हाँ ये कह सकते हैं कि स्वर्ग वो भी मानते हैं स्वर्ग हम भी मानते हैं नरक को वो भी मानते हैं और नरक को हम भी मानते हैं और राग वसात क्या है वो हेल्प भी कर सकते हैं और द्वेष जो है, वो तुम्हारा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं नमस्ते चर श्री रीना शाह अहमदाबाद गुजरात से आपके चरणों में अपनी शंका रख रही हैं हे गुरुदेव जो भी अरूपी द्रव्य हैं जैसे आत्मद्रव्य जीव द्रव्य धर्मास्तिका आदि तो वे इंद्रियों की अपेक्षा रूपी गिनना है या आत्मा की अपेक्षा गिनना है सर्वज्ञ भगवान है वो जीव द्रव्य धर्मास्तिका द्रव आदि को देख सकते हैं या जो आत्म के प्रदेश हैं उसको वो देख सकते हैं अगर नहीं देख सकते तो उन्होंने कैसे जाना अरूपी द्रव्य का मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा कैसा है कृपया कर मार्गदर्शन करें रूपी द्रव्य और अरूपी द्रव्य इस प्रकार से दो प्रकार के द्रव्य हैं रूपी द्रव्य तो मात्र एक है, पौदलिक है जो रूपी द्रव्य कहलाता है पुद्गल द्रव्य अरूपी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल देखिए हमारी इंद्रियों की अपेक्षा जो है अरूपी द्रव्य नहीं है इस बात को ध्यान रखना क्योंकि हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है इसलिए अरूपी है ऐसा नहीं है हमें इंद्रियों से तो मात्र रूपी पदार्थ देखते हैं और रूपी में भी जो स्थूल हैं वो दिखाई देते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म हैं जैसे कार्बन वर्गणाएँ हैं और शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अरूपी हो गए कि पुद्गल भी अरूपी हो जाएंगे नहीं दिखता है तो फिर भी वो कैसे हैं अरूपी ही हैं और रही बात केवल ज्ञान केवल ज्ञान में चाहे रूपी हों चाहे अरूपी हों दोनों पदार्थ अपने पदार्थ जो हैं उनके ज्ञान के विषय बनते हैं उनके ज्ञान के विषय में रूपी अरूपी दोनों पदार्थ प्र, और उनके जो प्रदेश हैं वो सभी दिखाई देते हैं यही केवल ज्ञान की विशेषता है ये संपूर्ण ज्ञान की विशेषता है कि चाहे धर्म द्रव्य हो अधर्म द्रव्य हो आकाश द्रव्य हो काल द्रव्य हो जीव द्रव्य हो ये अरूपी हैं और ये अरूपी अरूपी रूप से दिखाई देते हैं और जो रूपी है पुद्गल वो रूपी रूप से दिखाई देते हैं ऐसा नहीं रूपी अरूपी दिखाई दे अरूपी रूपी दिखाई दे ऐसा नहीं जो वस्तु जैसी है वो उस रूप ही दिखाई देती है ये केवल ज्ञान की जो स्वच्छत शक्ति है उसके कारण जो प्रकाशत्व तो शक्ति है उसके कारण उन्हें स्पष्ट रूप से वस्तु जैसी है वैसे ही दिखाई देती है नमोस््री रमेश सेनानी कोलकाता से आपके सिंचरण में अपनी शंका रख रहे हैं हे hey गुरुदेव आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र और आचार्य मागनंदी द्वारा द्वारा शास्त्रसार शास्त्र सार में प्रतिपादित विषयों का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है कृपया मार्गदर्शन करें तत्वार्थ सूत्र और समुच्चय सार दोनों में तुलनात्मक यही अंतर है कि जो समुच्चय शास्त्र सार है वह समुच्चय रूप में है अर्थात उसमें ज़्यादा विशेष वर्णन नहीं मिलता है लेकिन तत्वाशुद जो है वो विशाल रूप से है जैसे आचार्य माग स्वामी को काल का वर्णन करना होगा तो वो कह देंगे दुविधा हाँ दो प्रकार का काल होता है बश अब दो प्रकार का काल हो गया अब आप आगम से जानिए कि दो प्रकार से काल कौन सा होता है पंच इंद्रिया कह दिया तो पांच इंद्रिया होती हैं बस इतना कह देंगे पांच इंद्रिया कौन कौन सी होती है वो नहीं देंगे मतलब संख्यावाची ग्रंथ है ये संख्या की गणना बता दी बस और उस गणना से आप निकालिए और फिर उनके अर्थ भी आप समझिए मतलब कि ग्रंथ को संक्षेप रूप से जो मेघावी जो जीव हैं उनको समझने के लिए शास्त्र सार समुच्चय ग्रंथ है उसके माध्यम से वो संक्षेप में कथन करके आगे बढ़ गए हैं जैसे आपको याद रहे लेकिन तत्वा में ऐसा नहीं है तत्वा में वो भेद भी बताते हैं फिर भेद के नाम भी बताते हैं फिर नाम की उनकी जगह जगह परिभाषा का भी वर्णन करते हैं उन्होंने कहा गुप्ति तो गुप्ति के बाद कौन कौन सी गुप्ति? तो तीन गुप्ति। फिर तीन गुप्ति का फिर क्या बोलते गुप्ति की परिभाषा तो इस प्रकार से तत्व श्रुत जो है वो विशेष रूप से विस्तार रूप से समझाया गया शास्त्र है भगवान की वाणी को खोल खोल करके भेद प्रभेद और उनकी परिभाषा उनके लक्षणों को बता करके कथन किया गया है इसलिए तत्वार शुद्ध जो है जो मंद मेधावी जो जीव हैं उनके लिए है और जो उत्कृष्ट मेघावी जीव जो हैं उनके लिए शास्त्र सार समुच्चय है कि संक्षेप में आपको बता दिया अब विस्तार से आप समझ लेना यही इन दोनों में इस प्रकार का विश्लेषण समझना नमस्ते चरश्री मितेश साय आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं हे गुरुदेव किस कर्म के उदय से हमें कम नींद आती है क्या कम नींद आने से दर्शनावर्णी कर्म का उपशम समझना चाहिए या नहीं कृपया मार्गदर्शन करें निद्रा ये तो पता ही है आपको कि निद्रा जो आती है वो निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से आती है जब तक उदय ना हो तो निद्रा आना आए लेकिन निद्रा नहीं आए तो उसके लिए कौन सा कर्म तो दर्शनावर्णीय कर्म ही है निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म का जब क्षयोपम होता है अर्थात उस कर्म का क्षय और उपशम हो जाए तो उस अवस्था में जीव को जो है निद्रा नहीं आएगी और उस कर्म का क्षय ही हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए नींद नहीं आएगी तो क्षयोपम होना बहुत जरूरी है साधक के क्षयोपम होता है तो साधना कर पाता है और यदि उदय होता है तो वो साधना नहीं कर पाता क्योंकि बार बार निद्रा सताएगी तो अध्ययन नहीं कर पाएगा जाप नहीं कर पाएगा ध्यान नहीं कर पाएगा तो इस प्रकार से निद्रा दृष्णा वर्णी कर्म का उदय ना हो करके उसका क्षयोपम हो जाए और जिसका जितना ज्यादा क्षयोपम होगा उसको उतनी नींद जो है कम आएगी कोई दो घंटे में काम चला लेता है बस दो घंटा सोता है बाकी पूरे दिन जागता है उसे निंद्रा नहीं आती है कोई जो है चार घंटे की निद्रा है किसी की छः घंटे की है किसी की आठ घंटे की है कोई बारह बारह घंटे अठारह अठारह घंटा तक सोते हैं तो उनका कितना कर्म का उदय है और जिसका जितना क्षयोपम होता है वो उतना ही जो है जागरण करता है और अपने आप को जानने की कोशिश करता है और करना चाहिए धर्मात्मा जो है वो आलस प्रमाद ना करें कि थोड़ा सा निद्रा आई थोड़ा सा फिर आराम कर गए फिर सो गए तो नहीं अपन को उसमें थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए ठीक है ना तो क्षयोपम के कारण ही निद्रा नहीं आती है नमोस्तो चरश्री भावना जैन आपके सिरणों में अपनी शंका रख रही है गुरुदेव बच्चे जॉब करके अलग रहना चाहते हैं क्या यह है, उचित है या नहीं कृपया मार्गदर्शन दें यदि हमारे धर्म और संस्कार जीवंत रहते हैं कहीं हम जॉब करने जाते हैं तो ये उचित है लेकिन यदि हमारे धर्म और हमारे संस्कार और माता पिता का सम्मान हमसे छूटता है तो बिल्कुल अनुचित है अर्थात कम कमाओ लेकिन धर्म के साथ रहो संस्कार के साथ रहो और माता पिता के साथ रहो अधिक कमाने के चक्कर में संस्कार भी छोड़ो धर्म भी छोड़ो माता पिता को छोड़ो ये बिल्कुल भी अनुचित कार्य है हम अपने माता पिता का सम्मान रखें और उनके उपकारों को कभी ना भूलें और उनका पूरा ध्यान रखें और धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते रहें संस्कारों को बना के रखें ऐसी जॉब करें वही उचित है सभी को सादर जय जै जींद्र जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है तो आपको अवश्य किया जाएगा कृपया अपनी शंका नीचे दिए नंबर पर भेजें जय जिनेन्द्र